नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट रवा का हलवा बनाना बताऊंगी और बहुत ही सरल तरीके से। तो मैंने देखिए मेवे ले लिए हैं और काजू बादाम और गरी है, इसे मैं कूट कर डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत नखरा करते हैं मेवा खाने में, इसलिए मैं हमेशा उसे थोड़ा कूट कर डालती हूँ। अच्छे से मैं बारीक बारीक कूट लेंगे आप देखना है, और लेकिन मिक्सी में नहीं पीस कर इसमें मैंने कुटने में कूटा है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और ले लेंगे रवा। तो एक कटोरी बड़ी मैंने ली है और उसमें थोड़ा सा कटोरी से कम मैं रवा लूँगी क्योंकि मेरे यहाँ केवल चार लोग हैं और ये बहुत हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया कटोरी से। जितना मैं रवा लूँगी उतनी ही कटोरी शक्कर लूँगी, और नाप लीजिएगा आप, जिस कटोरी से रवा लीजिएगा उतनी ही शक्कर आप लीजिएगा। ढाई बड़े चम्मच हम डालेंगे देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप रिफाइंड से भी इसे बना सकते हैं, और इसे हम गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जो मैंने मेवे कूटे थे आधा मेवा मैं इसमें घी में डालकर भून लूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा भून इसे लेंगे। बहुत अच्छा स्वाद आता है ऐसे आप बनाएंगे तो, और कोई चाशनी बनाने का झंझट नहीं, कुछ नहीं, फटाफट इंस्टेंट हलवा तैयार हो जाता है। तो जब ये हल्का सा पिंक गुलाबी हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अब रवा। डालने का नंबर आ चुका है इसमें, आप देख सकते हैं मेवा मेरा अच्छे से भुन चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे रवा। और आप देख सकते हैं आधा मेवा मैंने कच्चा ही इसमें रखा था रवे में डाल के, उसको मैं इसी में भून लूँगी। रवे को उलट पलट करके खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे, और जितना आप रवे को अच्छे से भूनेंगे उतना ही स्वादिष्ट हलवा तैयार होगा। मैं आपको कोई भी नहीं बताऊंगी कि आप चाशनी बना के इसे अलग से डालिए, कुछ नहीं, बहुत फटाफट तैयार हो जाता है। अगर आप जल्दी कहीं जाना चाहते हैं तो आप फटाफट ये नाश्ता कर सकते हैं। और देखिए उतनी ही चीनी मैंने ली है जितनी मैंने रवा लिया था कटोरी में। आप जिस भी कटोरी से मेजरमेंट कीजिएगा तो जितना आप रवा लीजिएगा उतनी ही शक्कर लीजिएगा, और बिल्कुल परफेक्ट शक्कर होगी उतनी, जितने आप रवा लें उतनी ही शक्कर ले लीजिए। और चाशनी बनाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट जब भी मेरे बच्चे कहते हैं मैं फटाफट इस तरह हलवा बना देती हूँ, क्योंकि चाशनी बनाने में बहुत झंझट होता है, आपको अलग से चाशनी बनानी पड़ती है। आपको मैं एक नया तरीका इसीलिए बता रही हूँ कि फटाफट हलवा बना लीजिए आप। तो देखिए हमारा हलवा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छे से पक गया है रवा हमारा। अब हम इसको दो चार बार और उलट पलट के इसको भून लेंगे। मेरे यहाँ डार्क कलर का हलवा खाया जाता है, अगर आप नहीं भूनना चाहते तो आप थोड़ा कम ब्राउन कर सकते हैं। तो देखिए मेरा रवा एकदम रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे, आप सोच रहे होंगे मैं पानी डालूंगी, नहीं मैं पानी नहीं डालूंगी, पहले मैं डालूंगी इसमें शक्कर और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। अगर आप शक्कर डाल के पानी डालेंगे तो आप देखेंगे आपका अलग तरीके से ही हलवा बनेगा। जिस कटोरी से मैंने रवा लिया था उसी कटोरी से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, लेकिन पानी मैंने फुल डाला है कटोरी में। आप जिस कटोरी से रवा लीजिएगा उसी कटोरी से उतनी ही शक्कर लीजिएगा, और उसी कटोरी से दो कटोरी आप पानी डाल सकते हैं। और बस देखिए इसको उबाल आने तक हम इसे चलाते रहेंगे। और रवा में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि इसमें लम्स नहीं पड़ते। आप ज़्यादा पानी डालिए, आप एकदम से डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा दिए, लेकिन इसमें रवा एक ऐसी चीज़ है जिसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। और बस हम इसे नीचे करके चलाते रहेंगे। देखिए उबाल आ चुकी है, इसमें उबलने लगा है हमारा ये रवा, और बस दो मिनट में ये तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे तैयार होने में। अच्छे से इसे हम मिक्स करते रहेंगे। आप चाहें तो इसमें ऊपर से दो चम्मच देसी घी डाल सकते हैं, और लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो कोई फिक्र नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिफाइंड में भी बढ़िया बनता है। और बस देखिए इसको हम अच्छे से ऐसे चलाते रहेंगे, गोल गोल घुमा के चलाइए। और बस देखिए मेरा रवे का हलवा एकदम स्वादिष्ट रवे का हलवा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरी कुछ गलती है, नहीं अच्छा लगा है आपको वीडियो, तब भी मेरे चैनल में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये कमी इसमें छोड़ दी,
तो देखिए हमारा रवे कालवा तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में परोस लूँगी, परोस देंगे और बस इसे ऊपर से हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे बादाम से। और बस आप अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं अगर आप मीठा पसंद करता है आपका बच्चा तो। देखिए हमारा हलवा 2 मिनट में तैयार हो जाता है, ये रवा का हलवा। कोई झंझट नहीं, कोई चाशनी बनाने का झंझट नहीं और फटाफट हलवा तैयार हो गया है। तो हमारा हलवा तैयार है, आइए सब मिलकर खाते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।